सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे ही रहो। सो गाइस, आज हम अपने डॉग की एक्टिविटी दिखाएंगे आपको और अपने डॉग के फ्रेंड की हल्की आपको हम स्विमिंग भी दिखाएंगे और अपने यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे दिल्ली का। और आपको देखना बहुत मज़ा आएगा आपको ब्लॉग देखने में, और पूरा ब्लॉग देखो बहुत मज़ा आएगा आपको। गाइस, तो हल्का आ चुका है और हल्का ओनर भी आ गया हल्को लेके। तो आज हम हल्की स्विमिंग दिखाएंगे आपको और इसके साथ एक्टिविटी दिखाएंगे। तो चलिए आगे, आपको और मजा आएगा। गाइस, हम जा रहे थे अपने जमुना की तरफ जंगल से होते हुए, तो ये दोनों हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हल्क और जोजो। ये दोनों आपस में खेलने को कर रहे हैं। इस टाइम हम इन्हें खोल नहीं सकते, अगर हम इन्हें खोल दें तो ये जंगली डॉग्स पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम इन पे इनको खोलते नहीं है। ये तो करेगा नहीं, जंगली डॉग्स पे अटैक हल्क कर देता है, तो इसलिए हल्क को हम बांध के रखते हैं। और फिर हल्क को इसलिए बांध के रख रहे हैं हम ताकि फिर ये हल्क से ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है तो खेलने लगता है, तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। इसलिए गाइस, हम यहाँ थोड़ा रुक गए हैं आराम करवाने के लिए। और आप देख सकते हैं जोजो का पोज। चलो आओ। हम अपने डॉग्स की आज आपको छलांग दिखाएंगे। थोड़ा सा पेड़ टेढ़ा हो रहा है, तो उस पे से हम देखते हैं हम दोनों का कुत्ता कौन ज़्यादा अच्छी जंप मारता है। तो देखते हैं आप कौन ज़्यादा अच्छी तो देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छी जंप मारता है। तो गाइस, हम पार्क में आ गए हैं जमुना पे, जहाँ पे इनकी स्विमिंग होगी। हल्क को भी बांध रखा है क्योंकि ये कूद जाता है जमुना में। ब्रोजो को अभी हमने नहीं बांध रखा क्योंकि ब्रोजो जाता नहीं है जमुना में। तो लोकेशन देख सकते हो आप, कितनी अच्छी लोकेशन है, दिल्ली की लोकेशन है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आपने दिल्ली में देखी होगी, दिल्ली में देखी क्योंकि बहुत फेमस हो चुकी है वो। देखिए सिग्नेचर ब्रिज ब्रोजो, 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 ब्रोजो इधर आ।
जमुना पे घूमने आए लोग। देखिए हम अपने ब्रोजो को लेकर आए हैं, इनको देख के बहुत ही तगड़ा रिएक्शन लेते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। डरते हैं वैसे सच बताऊँ तो, लेकिन डरने वाली कोई बात है ही नहीं। अभी स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग गाइस, स्विमिंग देखना इनकी। ये बच्चे देखिए नंगे पुंगे, ये भी जमुना में स्विमिंग करने वाले हैं। लड़कियां हंस रही हैं नहीं बकरी गाइस, एक आंटी बोल रही है ब्रोजो को बकरी है बकरी। ईद ईद पे दूर रखेंगे आंटी से ब्रोजो को। सो गाइस हम अपनी करंट लोकेशन पर आ गए हैं जहाँ पे स्विमिंग करेंगे, और ये दोनों काफी थक चुके हैं। अभी इन्हें पानी में जाके बहुत आराम मिलेगा, और फिर आप देखना इनको स्विमिंग करते हुए, इन्हें बहुत ही मजा आता है, और आप इनको देखना आपको ही बहुत मजा आएगा। और हम आपको अब यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं, लोकेशन कैसी है देखिए। हम आज आपको स्विमिंग दिखाते हैं हल्की, हम बोतल पैकिंग, और वो बोतल के पास जाएगा, बोतल लेकर आएगा, तो देखिए कैसे लेकर आता है वो। हल ये ले आओ आड़ा जाने के लिए तेज जाके तेज पानी में चप्पल डाल के अपनी आजा। बोतल गिर गई, बोतल गिर गई, थोड़ी बड़ी वैसी पड़ रही है ना। क्योंकि कम है ना इधर पानी। सो गाइस ये ब्रोजो ज्यादा आगे नहीं जा रहा है पानी के, लेकिन हल्क बहुत आगे आगे तक जा रहा है, और धूप की वजह से आपको हल्क का फेस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि धूप सीधा हल्क पे पड़ रही है इसी वजह से। और ये ब्रोजो हमारा पानी में आगे आगे से गहरा पानी है काफी। ये रनिंग कर ली, ये जमुना में रनिंग कर रहे हैं दोनों, और लोग यहाँ पे सारे डर रहे हैं इनसे। ओ गिर गया। हल्क जा रहा है आगे, पानी कम हो गया है, हरियाणा की साइड से पानी रोक दिया गया है यहाँ पे। नंगे पुंगे बच्चे नहा रहे हैं। हल डंडी दो, डंडी मुझे नहीं, आर्यन तू फेंक, आर्यन डंडी डंडी फेंकेगा, और देखते हैं कोई नहीं उसको इशारे कर। ये ले, हाँ बुला, नहीं नहीं अभी मत फेंक, पहले उसे बुला। ये बोतल छोड़ नहीं रहा है हल्क, और ब्रोजो बोतल मांग रहा है उससे। सुमित हटियो, पानी भर गया बोतल में। शेर की तरह देख रहा है हल्क को ब्रोजो। चल मेरे पास फैक हल 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 ये ले, वो ध्यान ही नहीं दे रहा अपनी उस पे, उस
फोकस अपनी बोतल पे है, वो बोतल किसी को देगा नहीं, ये अपनी बोतल किसी को नहीं दे रहा। हल्क ओनर की भी बात नहीं सुन रहा है बोतल की वजह से, तो स्टिंग की बोतल में पानी भरा हुआ है, उसको ले लेके भग रहा है। गाइस ये जमुना में तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, फुल एंजॉय कर रहे हैं अपना बहुत ही ज़्यादा। और ये डंडी फेंकने की कोशिश, ये डंडी फेंकी और ये कूदते काटते हुए ये गया आगे तक। हल्क अपना डंडी लेकर आता है जल्दी भागो। और मैं भी अभी आधा पानी मेरा भी जमुना में ही है, अब ये डंडी छीने का बिरोजो इससे मेहनत वो करता है और फल पाने की कोशिश ये करता है। ये बैठ रहा है नीचे, ये 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 अभी 6 महीने का है हमारा ब्रोजो और हल्के 1 साल का है, तो अभी थोड़ा सा मैच्योर नहीं है हमारा। और ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं जमुना में, साइकिल चला रहे हैं बताओ। अब ये दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, बोल रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा थका दिया हल्क ने हमें, डंडी नहीं दे रहा था ना, स्टिंग की बोतल दे रहा था, अपनी मनमर्जी चलाता है ये, बहुत ही जिद्दी हो गया। और ये फिर बोतल फेंकी और ये फिर गया हल्क, और ये बहुत ही आगे जा चुका है, बहुत ही आगे देख सकते हो, ये देखो बहुत ही आगे से लेकर आया है हल्क बोतल। ब्रोजो अभी छोटा है तो पानी से डरता है, 6 महीने का ही है अभी, साल भर तक ये भी डर रहा था पानी से, फिर उसके बाद इसमें भी थोड़ा भय खुल गया हल्का पानी से। बोतल को लेकर लड़ाई हो रही है गाइस इन दोनों में, और ये बोतल नहीं देगा हल्क इसको, पूरा लेट गया। पानी में अब ये दोनों खेल रहे हैं लेट लेट के, ये डॉग्स खेलते भी अपनी मनपसंद का है, जोन से ना पसंद आता है मतलब पकड़ पकड़ के हरा के। और ये भाग गया हल्क, ओ ओ गर्दन पे हाथ डाल दिया इसकी। एक्टिविटी आपको अच्छी लगी होगी और इससे भी अच्छी लगेगी आने वाली वीडियो हमारी, तो गाइस इस वीडियो को सपोर्ट करें और